कल रात को यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई और रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि पूर्व सैनिक के जो बकाया थे, एक्स सर्विसमैन के पेंशन अरियर थे, पेंशन का बकाया था, वो पूरा किया जाएगा, पूरा उसको खत्म कर दिया जाएगा, सबके एरियर्स उन अफसरों को दिए जाएंगे। कुछ महीने पहले सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एक एफिडेविट फाइल हुआ था जिसमें केंद्र सरकार ने समय मांगा था मार्च 2023 तक इस मामले को हल करने के लिए। उसमें साफ नहीं कहा गया था कि हम क्लियर करेंगे, पर उन्होंने समय मांगा था मार्च 2023 तक। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत हरियाणा में फिरोजपुर झिरका, जो अगर मेरी याददाश्त सही है शक्ति सिंह जी, जो मेवात डिस्ट्रिक्ट में है, जो मेवात जिले में है, वहां 30 पूर्व सैनिकों के साथ वो मिले। और ये पूर्व सैनिकों ने दो मुद्दे उठाए, एक तो थे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, उन्होंने कहा कि हमारे जो अरियर्स हैं वो अब तक पूरा नहीं हुआ, हमें पूरा पेंशन नहीं मिला है, जो घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में घोषणा की थी, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और दूसरा मुद्दा जो उठाया था जेसीओ की ओर से कि ये जो ओरॉक है, वन रैंक वन पेंशन, ये ऊंचे स्तर के अफसरों के लिए फायदेमंद है, पर जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, जो जवान 10-12 साल या 15 साल के ड्यूटी के बाद 35 या 40 साल के उम्र में रिटायर कर देता है, उनके लिए फायदेमंद नहीं है। राहुल जी ने करीब एक घंटा इन पूर्व सैनिकों से बात की, हमने उसका प्रचार भी किया, और मुझे खुशी है कि दो दिन बाद यूनियन कैबिनेट की बैठक होती है और निर्णय लिया जाता है कि तुरंत ये एक्स सर्विसमैन के पेंशन के अरियर पूरा कर देंगे। मार्च 2023 तक विचार का समय नहीं, कल एक्शन ले लिया गया, और ये भारत जोड़ो यात्रा का सीधा असर है। अगर ये बैठक नहीं होती पूर्व सैनिकों के साथ, अगर हमने प्रचार नहीं किया होता इस बैठक के बारे में, और जो मुद्दे एक्स सर्विसमैन की ओर से रखे गए थे राहुल जी के सामने, मैं समझता हूं वो जो एफिडेविट फाइल हुआ था उसी के आधार पर ये मुद्दा चलता। आज सभी अखबारों में ये खबर छपी है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड दूं, कुछ पृष्ठभूमि दूं कि दो दिन के अंदर भारत, जिस दिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को लिख रहे थे बीजेपी के सांसदों की चिट्ठियों के आधार पर, उसी दिन पूर्व सैनिक मिल रहे थे राहुल जी को, और उस बैठक का नतीजा कल यूनियन कैबिनेट का निर्णय है। हम इसका स्वागत करते हैं, पर फिर भी हमारा ये मानना है और सभी पूर्व सैनिकों का मानना है कि जो यूपीए सरकार ने घोषणा की थी फरवरी 2014 में ओरॉप के बारे में, वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। इट इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, जो यूपीए सरकार ने निर्णय लिया था।